ये देख। The BAPS Hindu temple being built in UAE's Abu Dhabi is likely to be inaugurated by mid-February. Now, moreover, Indian Prime Minister Narendra Modi is all set to inaugurate the temple. ये देख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अब 14 फरवरी को पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर की आरती, मंत्रोच्चारण और घंटियों की गूंज होगी। अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट टाइम अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट टेंपल, फर्स्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह करेंगे। अब ये इमेजेस वायरल हो रहे हैं, ये कहां पर वायरल हो रहे हैं और ये कैसे बात निकली मैं आपके सामने रखती हूँ। ये तो आपको पता ही है कि अबू धाबी का जो पहला हिंदू मंदिर जिसको इस तरीके से जो है वो लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फर्स्ट टेम्पल अबू धाबी का, उसको अब इनॉग्रेट किया जाएगा 14th of Feb को। आपको पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है? पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कहा जाता है कि ये तो मोहब्बत के मतवालों का दिन है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। इसकी वजह ये कि आपको पता है कि इस सिलसिले में कुछ जो कुछ लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया वो भी आपके सामने रखें। जय हिंद दोस्तों, तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा दूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। तो दरअसल यहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार होता है तो पाकिस्तानियों को बड़ी पीड़ा हुई कि भाई ये मंदिर कैसे बना लिया। अच्छा, आप पाकिस्तान का सबसे मेन मोटिव देखिए, खुद भीख मांग रहे हैं, भूखी नंगी इनकी जनता है, आटे के लिए लान में लगे हुए हैं, भीख मांग रहा है पूरा देश, लेकिन इनको फिक्र है भारत में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ऐसा गलत हो रहा है, ये सही होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अबू धाबी में अभी एक मंदिर का उद्घाटन होना है और कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो क्यों करेंगे? क्योंकि यही यूएई वो चाहता है कि प्रधानमंत्री करे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो एक ब्रांड है, वो अगर प्रमोट करेंगे उस मंदिर को तो स्वाभाविक है पूरी दुनिया के हिंदू अट्रैक्ट होंगे वहाँ पर। और वो हिंदू जब वहाँ जाएंगे उस मंदिर में तो पैसा किसे देकर आएंगे? स्वाभाविक है यूएई को। और यूएई ये जानता है कि कब तक तेल बेचोगे, दुनिया शिफ्ट हो रही है न्यूक्लियर की मदद से, जो न्यूक्लियर होता है उसकी मदद से कुछ ऐसी वो बन चुकी हैं, आपने देखा वो पनडुब्बी जो कि कई सालों साल अंदर रह सकती है समुद्र के अंदर, तो उसी न्यूक्लियर की मदद से आप बिजली बना सकते हो, आप कोयले की मदद से बिजली बना सकते हो, बैटरी बना ही रहे हो इंडिया में, तो आपने आपको याद हो कि कश्मीर में इथियम मिल गया है जिससे बैटरी बनती है। तो अब आप देखिए कि जिस तरह से दुनिया इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो रही है, इथेनॉल के इंजन बनाए जा रहे हैं, तो ये ऑयल का खेल ज़्यादा समय तक तो चलेगा नहीं। हाँ, ऑयल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बिकेगा, लेकिन आज अगर 100 लीटर बिक रहा है और कल 10 लीटर बिकने लगे तो 90% का आपका घाटा होगा कि नहीं होगा। तो इन देशों को ये बात पता है, इसीलिए ये अदर सोर्सेज पर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ही बड़े समझदार हैं, वो कह रहे हैं कि ये यूएई काफिर देश हो गया है। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं कि कहां मंदिर कैसा बनने वाला है। जो गल्फ स्टेट्स हैं वो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडिया के साथ, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये मेरे ख्याल में पर्सनली कि एक कंडेम्ड करने के अलावा जो है वो शायद हमारे, और ये बड़ा बड़ी एक ट्रेजेडी है हमारे लिए कि 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं और हम इस कंडेमिनेशन में, आप ये गजा का देख लें, सिनेरियो देख लें, आमिर खान की पीके उसमें वो एक था, वो जो प्लैनेट से आ जाता है उसका कुछ घूम जाता है, तो वो रेडियो को भी वो कहते हैं कि जी ये राम मंदिर था, भगवान का टूटा हुआ मन का था, उनकी सोच इस तरह की है। तो आप तो हम तो उनकी सोच के ऊपर मातम कर सकते हैं। हमारा जो है ना हकाम बाला से भरपूर मुतालबा है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के जो आलम बाला इस्लाम में बैठे हुए हैं कि यार खुदारा खुदारा कुछ कर। यूएई में और कुवैत में जब जंग वगैरह लगी थी ना,
तो इनको सपोर्ट इन्होंने किया था। ये पाकिस्तान से इसलिए थोड़ी सी खपत रखते हैं, ये जो जितने गल्फ की कंट्री के लोग हैं ये इसलिए खपत रखते हैं क्योंकि उस वक्त इन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने किया था। अब आप यूएई में जाती है या किसी भी गल्फ कंट्री में जाती है ना, एक साइड पे इंडियन खड़ा हो जाए, एक साइड पे पाकिस्तान खड़ा हो, इंडियन को प्रेफर करेंगे। वो पैसे भी कम लेगा, हम पैसे भी ज्यादा लेंगे, लेकिन हमारी इतनी वैल्यू नहीं है वहाँ। यूएई के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर मंदिर बन रहा है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जल जाएंगे, उसका इफ्तिताह भी करेंगे। इफ्तिताह करेंगे, हाँ जी दादा, ये भी है। इवन के अब यूएई इज सो कॉल्ड इज एन इस्लामिक कंट्री, लेकिन देखें कंपनियां अपनी अपने मफादात के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो फिर ऐसी कंट्रीज को भी है ना ऑन बोर्ड ले लेती हैं, उनकी मजबूरी है। वो कहते हैं कि वहाँ पे उनकी जन्मभूमि थी, ये सारी उनकी बकवासियात है, सीधी सीधी बात। तो अब आप गलत कर रहे हैं ना, देखिए मेरी, मैंने आपको अभी ये बोला कि हमारा मजहब कहता है कि हमें बाकी तमाम मजाहिब का एहतराम करना चाहिए। अब आप इस तरह के वर्ड यूज करेंगे तो उनके भी जज्बात जो है मजरूह हैं। दुबई में देखे तो वहाँ पे बहुत गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, वहाँ पे सारा कुछ है, वहाँ पे कम्युनिटी है। वो शारजा के बादशाह को एक बंदे ने पूछा ना कि यहाँ पे बहुत क्लब है, उसने कहा यहाँ मस्जिदें भी बहुत है, जिसने मस्जिद में जाना है मस्जिद में चला जाए, जिसने क्लब में जाना है क्लब में चले। लेकिन बात यह है कि वो और तरह के मुसलमान है। मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करे, और हुआ भी वही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अब 14 फरवरी को पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर की आरती, मंत्रोच्चारण और घंटियों की गूंज होगी। ये कोई साधारण घटना नहीं है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर को लेकर बेहद उत्साहित हैं। जो ट्रेड हो हमारा बहुत ज्यादा खर्चा कम होगा, जो हम इतनी दूर जाते हैं उनका सबसे पहले बॉर्डर लगता है। हम जितना पीएनजी का स्टॉक बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, इंडिया में प्लांट लगा हुआ है, सही है, तो हमें कितना हमारे पैसे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर हम खाली सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को छोड़े, टेक्नोलॉजी आईटी को छोड़े, सिर्फ सब्जियों की बात कर लें तो बहुत सा फायदा, मेडिकल फील्ड की बात कर लें, इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे, कितने आईटी इंजीनियर्स उनके हमसे बहुत आगे। मतलब हम भी, पाकिस्तान ने भी बहुत मेहनत की, बरहाल डेफिनेटली हम उस स्टेज तक पहुंच नहीं सके जहां पे आज इंडिया खड़ा हुआ है। बाकी आपने हमें देख ही लिया है कि हमने 75 इयर्स हो गए, तो कितना एक हमने जंगें जीती हैं, या बाकी जो आप कह लें कि हमारा अपना मुल्क स्टेबल नहीं है, यहां आपको पता है फिरका वारियत कितनी चल रही है, तो हम किधर ईरान और ये जो दूसरे मसाइल हैं इंडिया के, तो उसमें जाके तो हम जितना भी कह लें तो जाहिर है वो उस तरह से हमें फायदा तो नहीं हो रहा। और अभी OIC की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में कोई मंदिर बना है तो वो मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए थी, ऐसी स्टेटमेंट देने की प्रैक्टिकली है। आप क्या कहते हैं, मंदिर बनना चाहिए था, मस्जिद बननी चाहिए? भाई जान, ये मुस्लिम ममालिक के जितने भी मुसलमान लोग हैं ना, उनके लिए ये चीज़ होनी चाहिए कि उनका काम बनना चाहिए कि जहाँ पे मस्जिद बने तो सारे एक्शन लें कि मंदिर नहीं मस्जिद होना चाहिए। इंडिया ने अपने तो अपने कंट्री में हमारे मुल्क में तो मंदिर नहीं होना चाहिए वैसे इंडिया। अच्छा, में तो देखें हम ये मतलब मुस्लिम का ये कंसेप्ट है कि भाई वहाँ पे 500 साल से ये मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये जो हिंदू लोग हैं वो ये कहते हैं कई हजार साल से वहाँ पे राम मंदिर था, यानी कि जो उनके भगवान राम है उनकी वहाँ पे वो मौजूद थे। हमें भी हिस्ट्री के ऊपर से देखना चाहिए, लेट्स सपोज अगर हिस्ट्री में वाकई में वहाँ पे पहले मंदिर हो और बाबर जब आया उसके बाद मस्जिद बनाई गई हो, तो फिर सारे मुमालिक मारे भी साजिश है? नहीं नहीं, ऐसी साजिश है, लेकिन सारे मुखालिफ है ना पाकिस्तान के मुसलमान के। ऐसी क्या वजह है कि सारे कंट्रीज हमारे खिलाफ हो? नहीं, हमारे पास एटम है ना, एटम है ना, एटम के लिए तो वो सारा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो और भी दुनिया में और भी कंट्रीज के पास, जो पाकिस्तान के पास पावर है ना वो किसी के पास नहीं है, हकीकत बात। अच्छा, तो भाई पाकिस्तानी बड़े मजेदार लोग हैं, पाकिस्तान भूखों मर रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है, उससे उसकी कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान को फिक्र है कि भारत में मंदिर क्यों बन गया, भारत में मंदिर नहीं बनना चाहिए था, यूएई में क्यों बन गया यार, वहाँ तो और बनना ही नहीं चाहिए था, यूएई वाले तो यार काफिर बन गए हैं। अमेरिका में ही क्या हो रहा है, अमेरिका में ऐसा नहीं होना चाहिए। इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, इजराइल को हम नक्शे से ही मिटा देंगे। मतलब इनको ये फिक्र नहीं है कि तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, इनको फिक्र है दुनिया की। एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, अरे यार थोड़ी इतनी शर्म कर लो कि आप अफगानिस्तान को देख लो, एक आतंकवादी संगठन का कब्जा है, वो आतंकवादी कहीं नहीं जा रहा है भीख मांगने के लिए। अफगानिस्तान तो आपके पास ही है ना, आपको ही ठोक रहे हैं वो आए दिन, इतना तो आपको पता होगा ना, वो कहीं नहीं जा रहा है भीख मांगने, लेकिन आप दुनिया से भीख मांग रहे हो। आपका प्रधानमंत्री बोल चुका है कि ये तो भिखारी मुल्क दुनिया समझती है, वो तो जाता है ना, पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग तो अंदर ही हैं, पाकिस्तान से बाहर गए नहीं, तो उनको तो लगता है हमारे पास जज्बा है, जो हम बोल दें वो सही है, सामने वाला मतलब इनको सबूतों से तो कोई लेना देना ही नहीं होता है। राम मंदिर पर देखिए,
इनको इतना पता है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को पता है कि भैया वो मुगलों ने मंदिर तोड़ा था, वहाँ पर फिर मस्जिद बनाई थी, तो इतना पता है। लेकिन अब वो कह रहा है कि मंदिर आपने क्यों बना लिया, मतलब इतना स्पष्ट ये लोग मान रहे हैं कि भैया मुगलों ने तोड़ा था मंदिर और फिर मस्जिद बनाई थी, तो वापस उसे कोर्ट के आदेश से इन्होंने मंदिर कैसे बना लिया। इसीलिए भीख मांग रहे हो आप लोग यूएई को, अब आप ज्ञान फैल रहे, जिन यूएई के टुकड़ों पर आप तक अभी तक आप पलते रहे उसे आप सिखा रहे हो इस्लाम। बहुत समझदार लोग हैं, जो समझदार होगा वही विकास करेगा आने वाले समय में। कट्टरपंथी जो सिर्फ अपने आप को ही होशियार मानते हैं वो तुम्हारी तरह भीख मांगेंगे।